Welcome to online lecture of Sharad V. Moria English High School. So today I am going to teach you English lesson number 22, a book review. ये क्या है? एक book का review है, okay? George's Secret Key to Universe. क्या नाम है? So see, book का नाम क्या है? George's Secret Key to the Universe, okay? Now George क्या है? एक name of a boy है, एक लड़के का नाम है. क्या नाम है? George. जॉर्ज डैड इज़ एन एरिडेंट इन्वायरमेंटलिस्ट. अब देखो, जो जॉर्ज के डैड थे वो क्या थे? एक एरिडेंट मीन्स एकदम जानने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट थे. ओके, एकदम पैशनेट इन्वायरमेंटलिस्ट थे. इनफैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्वीनियंस्ड दैट मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्लैनेट. अब देखो, इनफैक्ट बोथ द कन्वीनियंस मीन्स जो दोनों जो पेरेंट थे उसके, जॉर्ज के, वो दोनों को क्या लगता था कि दोनों का क्या मानना था कि जो मॉडर्न इन्वेंशंस है, जो नए नए इन्वेंशंस है, जैसे कि नए इन्वेंशंस क्या है? फ़ोन हो गया, राइट, और टीवी हो गया. तो ये सारे जितने भी मॉडर्न इन्वेंशंस है साइंस के एंड और टेक्नोलॉजी के हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ. तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस है, जैसे कि कार हो गए, तो ये सब क्या है? हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए डैमेज है, राइट. हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज है, डैमेज होता है इसकी वजह से. सो दे टेक्नोलॉजी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ मीन्स ये जो टेक्नोलॉजीज है वो क्या करी? एकदम लॉट ऑफ डैमेज जो है हमारे अर्थ पे कॉज करी है, राइट. दे आर कमिटेड टू द यूज कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. अब देखो, दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट मीन्स सो सी दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट मीन्स वो लोग ने कमिटमेंट कर लिए थे, जॉर्ज के पेरेंट्स ने, कि हम लोग जो है हमारा प्लैनेट सेव करके रहेंगे. दे यूज अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ कार. तो देखो, वो लोग क्या करते थे? कार की जगह, कार जो है हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है, हमारे अर्थ को हार्म करती है, राइट. तो उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे? साइकिल यूज़ करते थे, बाईसाइकिल यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ कार मीन्स कार की जगह वो लोग साइकिल यूज़ करते थे. There is a ban on TV and computer in their house. और देखो, उनके घर में, जॉर्ज के घर में बैन था किस पे? टीवी और कंप्यूटर पे. मीन्स टीवी और कंप्यूटर भी घर में नहीं थे, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी. मतलब दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट्स. अब देखो, वो लोग जो है ये सब चीज़ें भी परचेज नहीं करते थे, थिंग्स लाइक ब्रेड और बिस्किट्स. दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड. और देखो, वो लोग क्या खाते थे? सिर्फ वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी, जो मतलब सिर्फ दाल भाजी ये सब, एंड होम कुक्ड फूड, और घर का खाना खाते थे. दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ तक कि वो लोग क्या करते थे? घर में कैंडल मीन्स मोमबत्ती यूज़ करते थे ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो लाइट होती है, उसे क्या करे? अवॉइड कर सके. पुअर जॉर्ज हैज टू सफर अ लॉट ऑफ जियरिंग एंड रिडिक्यूल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस. अब देखो, जो वो दोनों का बेटा था जॉर्ज, वो बेचारे को बहुत कुछ सुनना पड़ता था. सब दोस्त लोग भी क्या करते थे? उसकी मजाक उड़ाते थे. एक्चुअली जॉर्ज डजेंट थिंक दैट आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज अ बैड थिंग. देखो, अब जो एक्चुअली जो जॉर्ज था उसके लिए भी जो टीवी और कंप्यूटर है ये उसके लिए बैड थिंग नहीं थी. मतलब उसको भी था कि ये तो अच्छी चीज़ें हैं. He has tried to tell his parent that it's possible to save the earth using the computer and the internet. तो देखो, अब जो वो था, जॉर्ज था, वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को बोलने के लिए ट्राई करता था कि जो कंप्यूटर है और इंटरनेट है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट पे. But no, लेकिन नहीं, in their house there can't be any discussion on that issue. लेकिन उनके घर में इन्वायरमेंट को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था. जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो व्हाई बट हु इज टू आंसर हिज क्वेश्चंस. अब देखो, लेकिन जॉर्ज को ना हमेशा था पूछने के लिए कि व्हाई. व्हाई मीन्स क्यों. क्यों कंप्यूटर यूज़ नहीं हो सकता, इंटरनेट यूज़ नहीं हो सकता हिज, बट हु इज टू आंसर हिज क्वेश्चन. लेकिन उसको आंसर कौन देने वाला था?
His parents think that he is still too young to understand global issues. तो देखो उसके जो जॉर्ज के मम्मी पापा थे उनको क्या लगता था कि अभी भी ये स्टिल टू यंग मीन्स अभी भी ये छोटा है, इसको ग्लोबल इशू जो है समझ में नहीं आ रहे हैं. वन डे हाउएवर जॉर्ज अनएक्सेप्टेडली एक्वायर्स अ न्यू फ्रेंड एंड नेक्स्ट डोर नेबर एनी. एनीज फादर एरिक इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल द जॉर्ज क्वेश्चंस. अब देखो वन डे हाउएवर जॉर्ज अनएक्सेप्टेडली एक्वायर्स अ न्यू फ्रेंड टू द नेक्स्ट डोर नेबर एनी. अब एक दिन अचानक क्या हुआ, जॉर्ज के नेबर में मीन्स पड़ोस के घर में एक नेबर लोग रहने आए और उनमें एक वो लड़की का नाम क्या था, एनी. एनीज फादर, अब जो एनी के डैडी थे वो उनका नाम क्या था, एरिक. ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और वो कौन थे, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे. एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल द जॉर्ज क्वेश्चंस, और वो जो है वो एकदम ओवर विलिंग थे कि मतलब वो जॉर्ज को जितने भी क्वेश्चंस थे उसको वो सुलझा सकते थे, मीन्स उसके आंसर्स वो एरिक दे सकते थे. एरिक हैज बिल्ड अ सुपर सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मोस. अब देखो जो एरिक थे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बहुत अच्छा सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था, कॉस्मोस. कॉस्मोस हैज इनकैरिडेबल पावर. अब देखो वो जो कॉस्मोस था, कॉस्मोस क्या था, कंप्यूटर था राइट. अब वो कॉस्मोस में बहुत इनकैरिडेबल पावर था, मीन्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर था. It can literally open windows on the universe and tell you to any planet, star, comet and even to the black hole. Now see. कॉस्मोस हैज इनकैरिडेबल पावर. इट कैन लिटरली ओपन विंडोज मीन्स वो जो कॉस्मोस था कंप्यूटर उसमें आप लिटरली क्या कर सकते हो, विंडोज ओपन कर सकते हो ऑन द यूनिवर्स, मीन्स आप उसमें यूनिवर्स ओपन कर सकते हो पीसी में कंप्यूटर में. एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, और वो कंप्यूटर आपको एक कोई भी प्लैनेट पे लेकर जाएगा, स्टार पे लेकर जाएगा, कॉमेट पे लेकर जाएगा एंड इवन टू अ ब्लैक होल. सो एंड इवन अ ब्लैक होल. ब्लैक होल मीन्स अगर दो प्लैनेट्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल. ओके. एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर.
एंड ऑफ कोर्स मींस ऑफ कोर्स जो वो कॉस्मोस था कंप्यूटर आपको यूनिवर्स पे भी लेकर जा सकता है, कोई भी प्लैनेट से मिला सकता है, स्टार से, कॉमेट से. कॉमेट से देखे हो ना आपने, वो जो यूनिवर्स में स्टोन्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉमेट, राइट. और ब्लैक होल भी. एंड ऑफ कोर्स और उसके अलावा वो ऑफ कोर्स क्या कर सकता है, कॉस्मोस कैन आल्सो ब्रिंक यू बैक फ्रॉम देयर मींस वो वहां पे आपको घुमा के वापस यहां पर ला भी सकता है. However, cosmos depends entirely on the information that is feed it into it by people. अब देखो जो normally, लेकिन however जो cosmos था वो depend किस पे था, कि जितना entire information उसको मिलती है feed into it by people means people के हिसाब, आदमी ने जितना उसमें information वो computer में डालेगा उतना ही वो लोग को feed करता था. Like Eric, what do the research and thinking can make cosmos work means like Eric. अब Eric कौन थे, उन्होंने ही वो PC बनाए थे. मीन्स वो जो रिसर्च इन्फॉर्मेशन वो PC में डालते थे उतना ही वो PC वर्क करता था. साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक Eric हैव मूव टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर. अब देखो साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज मीन्स साइंस जो है वो अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ कर हो सकता है. एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक Eric, और जो ग्रुप था गुड साइंटिस्ट का, अच्छे साइंटिस्ट का, जैसे कि Eric है वोव टू यूज़ इट फॉर पीपल्स वेलफेयर. तो वो क्या करते थे, ये सब जो साइंस का यूज़ किसके लिए करते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए. अनफॉर्चुनेटली देर इज वन ऑड angry scientist who wants to use science for his own selfish motives. अब देखो unfortunately एक scientist था जो क्या था, बहुत old था, बूढ़ा था, और वो जो था उसको क्या करना था, science को use करना था for his own selfish motives means अपने selfish motives के लिए उसे वो use करना था science को, वो scientist को, okay. He is planning to steal cosmos and all of Eric research so that he can establish his own rule on another planet. तो देखो वो जो सेल्फिश साइंटिस्ट था, जो मतलबी साइंटिस्ट था ओल्ड, वो क्या प्लान कर रहा था कि जो Eric है, जो अच्छा साइंटिस्ट है, जो जॉर्ज के बाजू में रहने आए हैं, तो वो क्या प्लान कर रहा था कि उनसे वो कॉस्मोस, वो जो कंप्यूटर उन्होंने बनाया है कॉस्मोस, वो उनसे स्टील कर ले, मीन्स चुरा ले. एंड ऑल द Eric रिसर्च, और उनने जितनी भी रिसर्च करे है, जो जो इस्टेब्लिश करे, और वो जो रूल कर रहे हैं अनदर प्लानट पर, वो सब वो छीन ले. It so happens that only George can do something to overcome the wicked plans of the nasty scientist. अब देखो जॉर्ज तो था वही कुछ ना कुछ कर सकता था ताकि वो जो nasty scientist है, जो बुरा scientist है, उस पर वो overcome कर सके, right? If you want to know what adventure he undertakes and what strategies he has used to stop the power hungry scientist, you can have to read the novel George's Secret Key to the Universe. अब देखो अगर आप लोगों को find करना है कि तो जो जॉर्ज था उसने क्या किया वो Eric की help करने के लिए, वो बुरे scientist, ताकि वो cosmos ना चुराए, तो वो अगर आपको आगे की story जानना है तो आपको वो book में मिलेंगी. कौन सी book है, George's Secret Key to the Universe, okay. The author of the Wonderful Adventure is Lucky Hawking. अब देखो अब जो ये जो बनाए है, जो बुक बनाए है, उनका नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, लकी हॉकिंग. द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज इमेजिनरी बट इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चैट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्सेस दैट गिव यू हार्ड फैक्ट्स अबाउट अवर सोलर सिस्टम. देखो जो स्टोरी है ऐसे तो वो एक नॉवल इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चार्ट्स है, फोटोग्राफ है, बॉक्सेस है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे फैक्ट्स देंगे किसके ऊपर, सोलर सिस्टम पर. सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स मीन्स आपको पूरे यूनिवर्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट देंगे. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग, हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स. अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट हुई है बहुत इजी और अंडरस्टैंड मैनर में, किसने किया है, ये स्टीफन हॉकिंग ने, मीन्स इन्होंने ये बुक लिखा है, राइट, ये ऑथर है. हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम मीन्स ये उनके टाइम के एक
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट प्रेजेंट होते हैं. हिज अचीवमेंट्स आर ऑल द मोस्ट एस्टाउंडिंग एज ही विक्टिम ऑफ मेनी फिजिकल एलिमेंट्स. उनकी जो है वो स्टीफन हॉकिंग की बहुत सारी अचीवमेंट है डिपेंड ऑन फिजिकल एलिमेंट्स. ही हैज टू यूज अ व्हीलचेयर टू मूव अबाउट एंड यूजेज अ कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक. देखो वो जो है नॉर्मली व्हीलचेयर यूज़ करते थे और वॉइस सिस्टम यूज़ करते थे बोलने के लिए. द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस ट्रायम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटी इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर. अब देखो उनकी खुद की स्टोरी स्टीफन हॉकिंग की, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबिलिटी थी, मीन्स उनसे चलने नहीं होता था, व्हील चेयर पर चलते थे और वॉइस नोट रखे थे बोलने के लिए, तो वो भी एक इटसेल्फ इंस्पायरिंग एडवेंचर है. ओके. द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पेरसन्स. अब देखो वो बुक में आप लोगों को बहुत अट्रैक्टिव जो है स्केचेस मिलेंगे, एकदम एक्सप्रेसिव, जिसको कौन बनाया है, गैरी पेरसन्स ने. इट इज़ ट्रू दैट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टन प्रॉब्लम्स. देखो ये बात तो सच है कि ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है. बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सोल्यूशन. लेकिन टेक्नोलॉजी से एकदम टर्न कर लेना, मुंह मोड़ लेना, ये सोल्यूशन नहीं है. दैट इज़ वाई द हॉकिंग हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस बुक. इसीलिए जो जॉर्ज कीटू यूनिवर्स में हॉकिंग ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है. मोर रिसर्च मोर स्टडीज एंड द कमिटमेंट टू यूज़ देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन्स बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. उसमें उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ज़्यादा स्टडीज़ कमिटमेंट करना और सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि पूरे एंटायर और लिविंग वर्ल्ड को हेल्प करना. Now next, lesson number 23, write your own poem. Means, खुद से क्या करो, अपनी एक own poem लिखो. Mountain, fountain, light, night. Write a set of rhyming words, make sentence or meaningful phrases in which the rhyming words appear at the end. Arrange the sentence or phrases in the form of poem. अब देखो आप लोगों को क्या करना है, एक सेट बनाना है राइमिंग वर्ड्स का, जैसे कि माउंटेन फाउंटेन हो गया, लाइट नाइट हो गई. ओके. मेक सेंटेंस और मीनिंगफुल फ्रेसेस इन विच द राइमिंग वर्ड अपीयर. अब देखो वो राइमिंग वर्ड के ऊपर से आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल फ्रेसेस लग के जिसमें राइमिंग वर्ड भी अपीयर होना चाहिए. एट द एंड अरेंज द सेंटेंस और फ्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ पोएम. और उसके बाद में आपको अरेंज करना है वो सेंटेंस को इन अ फॉर्म ऑफ पोएम, पोएम के फॉर्म में. ओके. As white as snow, cuddly soft, hop leap. Think of something that you like very much. अब देखो आप लोगों को वो चीज़ के बारे में सोचना है जो आप बहुत पसंद करते हो. Describe it in as much as detail as you can. अब देखो आपको जो आप पसंद करते हो उसको एकदम डिटेल में एक्सप्रेस करना है जितना आप कर सको. Stressing the part you like best. और वो जो पार्ट है जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो उसको क्या करना है, आपको स्ट्रेसिंग करना है. ओके. मेक यूज़ ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव एडवर्ब और कॉम्प्रिहेंसेंस. अब देखो ये जो है आपको उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब और कॉम्प्रिहेंसेंस भी यूज़ करना है. अरेंज द लाइन्स वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. और फिर आपको क्या करना है, अरेंज करना है लाइन को एक के नीचे एक जैसे पोएम में रहती है. देखो इधर देखो ये जो है वो क्या सोच रहा है, क्या चीज़ उसको पसंद है, रैबिट. अब रैबिट कैसा होता है, कडली सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, राइट, कडली हॉप लिप करके चलता है, एज वाइट एज स्नो, और स्नो के जैसे वाइट रहता है. नाउ सी ऑब्जर्व थिंग्स इन योर सराउंडिंग केयरफुली. अब आपको जो है क्या करना है, जो आसपास जो थिंग्स है, जो चीज़ है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है.
राइट शॉर्ट बट गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट यू सी. देखो फिर आपको शॉर्ट लिखना है, छोटा ही लिखना है, लेकिन अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपने क्या देखा. ईयर, स्मेल, फील एक्सेट्रा, फिर आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंघा, क्या फील किया एक्सेट्रा. अरेंज योर ऑब्जर्वेशन इन शॉर्ट लाइन्स रिटन ऑन बिलो वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. फिर उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है लाइन्स को, जैसे पोएम का फॉर्म रहता है एक के नीचे एक, वैसे आपको लिखना है. आप देखो आपने आसपास सराउंडिंग में क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि कूल ब्रीज हो गई, ठंडी हवाएं, ब्राइट कलर, राइट, फ्लावर ब्लूम्स मीन्स फ्लावर जो ब्लूम हो रहा है, और फ्रेग्रेंस फ्लावर्स की. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हैप्पी और वेरी एंग्री और वेरी सैड. अब देखो आप लोगों को कैसा फील होता है जब एकदम आप या तो बहुत एंग्री रहते हो, बहुत गुस्से में रहते हो, या बहुत सैड रहते हो, या बहुत खुश रहते हो. वॉट डू यू से टू योर सेल्फ ऑन दिस ओकेशन, तो वो टाइम पे आप खुद को क्या कहते हो. ट्राई टू राइट इट डाउन एंड अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ पोएम, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है लिखने का और उसको अरेंज करने का इन द फॉर्म ऑफ पोएम, मीन्स पोएम के फॉर्म में उसे लिखने का आपको ट्राई करना है. वाई, हाउ कुड आई, नेवर विल आई. ओके, मीन्स ये जब हम खुश रहते हैं या गुस्सा रहते हैं, राइट, या फिर एकदम सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, तो हम लोग क्या थिंक करते, क्या सोचते, वो आप लोगों को लिखना है और फिर उसको लाइन बाय लाइन अरेंज करना है पोएम के फॉर्म में.